हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास एट चैप्टर एट और एक्सरसाइज 8.2 हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि है आपका VCR एंड TV वर बोट फॉर 8,000 रुपीज़ ईच। यानी कि दो आर्टिकल खरीदे गए हैं, एक VCR और एक TV, और दोनों का ईच मतलब प्रत्येक दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 800 रुपीज़। ओके, सॉरी 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट, द शॉपकीपर जिन्होंने ख़रीदा था मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। जो VCR है वहाँ पर उसको लॉस हुआ है 4% एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV, और TV के ऊपर जो प्रॉफिट उनको मिला है वो है 8%। तो यानी कि VCR के ऊपर क्या हो गया, लॉस, और कितने का हुआ है वो 4%, और TV के ऊपर क्या हुआ, प्रॉफिट, और वो कितने का हुआ है 8%। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी कि आपको ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट निकालना है ऑन द होल ट्रांजैक्शन, जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन उन्होंने किए दोनों के लिए उसके ऊपर। तो अभी हमें ये निकालना पड़ेगा, पहले लॉस कितने का हुआ, फिर प्रॉफिट कितने का हुआ, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ओवरऑल उसको लॉस हुआ है या फ़ायदा प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम VCR की बात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितना है, ऑब्वियसली वो तो दोनों के केस में ही कितना है, 8,000 रुपीज़ है। और यहाँ पर VCR के केस में क्या है, लॉस। तो लॉस कितना है, लॉस परसेंट जो है वो कितना है, 4%। सो लॉस कितना हो गया, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि कैलकुलेट करो 4% ऑफ कितने का, टोटल अमाउंट का 4%, कितना उसको लॉस हुआ है। तो कैलकुलेट हम करेंगे 4%, यानी कि 4/100 मल्टीप्लाई 8,000 कैंसिल। सो कितने का लॉस हुआ उनको ओवरऑल, 8×4=32, यानी कि 320 रुपीज़ का उनको क्या हो गया, लॉस। उसी तरीके से फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ, नाउ क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी की हम बात करेंगे। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना था, 8,000 रुपीज़। वहाँ पर क्या था, उनको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है कितने का, 8%। सो प्रॉफिट अगर हमें अमाउंट निकालनी है प्रॉफिट की कि कितना है, तो निकालिए कि 8% ऑफ 8,000, यानी कि 8/100 मल्टीप्लाई 8,000। सो ये आपने सोल्व किया, ये आपको मिलेगा 640 रुपीज़। सो प्रॉफिट हुआ है 640 रुपीज़ का, लॉस हुआ है 320 का, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। सो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, उनको प्रॉफिट ही हुआ है, तो वो कितना हुआ है, माइनस कर दीजिए 640 - 320 विच इज़ इक्वल टू 320 रुपीज़। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो उसके लिए टोटल अमाउंट भी तो आपको अब देखनी पड़ेगी ना, कि 320 रुपीज़ का जो फ़ायदा उनको हुआ है वो कितने अमाउंट के ऊपर हुआ है ना, 8,000 के ऊपर तो नहीं है वो, क्योंकि उसने दो आर्टिकल खरीदे थे। तो जो टोटल अमाउंट हुई वो कितनी हो गई, 16,000। आप वो भी लिखोगे, यानी कि कॉस्ट या फिर ये लिख दीजिए टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, ये टीवी एंड वीसीआर लिख सकते हो आर्टिकल। तो वो कितने हैं, 8,000 + 8,000 रुपीज़ इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 16,000।
नाउ हमें क्या निकालना था, लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो हल कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्रॉफिट जितना हुआ है डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई बाई 100 और ये आपका आंसर परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का है, 320 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 16,000 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, देन ये यहाँ पर 2 पर कैंसिल हो गया। सो ओवरऑल कितना आ गया, 2% उनको क्या हुआ है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 2। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। जो भी मार्केट प्राइस है सभी आइटम का किसी दुकान के ऊपर, वहाँ पर क्या एक सेल लगी है और उन्होंने 10% ऑफ दिया है, यानी कि डिस्काउंट दिया है। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट रुपीज़ 1,450 एंड टू शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पूछा गया, ये बताया गया है शुरू में तो, कि जितने भी आर्टिकल हैं सभी के ऊपर कितना है 10% ऑफ यानी कि डिस्काउंट दिया गया है। उसके बाद खरीद क्या क्या रहा है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अ पेयर ऑफ जीन्स यानी कि अ पेयर ऑफ जीन्स जो है टोटल अ पेयर ऑफ जीन्स उनका प्राइस वहाँ पर जो मार्केट प्राइस वहाँ पे लिखा गया हो कितना है रुपीज़ 1,450। उसके बाद क्या खरीद रहा है वो, टू शर्ट खरीद रहे हैं। सो टू शर्ट के ऊपर उन्होंने कितना पैसा लगाया, एक शर्ट का प्राइस है वहाँ पर बताया गया है जो कि कितना है आपका 850। एक का है तो दो का जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1,700। सो यानी कि ये चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं, इतना इन दोनों का प्राइस है, तो आपको बताना है कि उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस इज इक्वल टू रुपीज़ 1,450। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट, शर्ट का कॉस्ट प्राइस अ शर्ट यानी कि एक शर्ट का कितना दिया गया है रुपीज़ 850। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टू शर्ट, क्योंकि उन्होंने कितनी शर्ट खरीदी है, टू शर्ट खरीदी तो वो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई रुपीज़ 850 विच इज़ इक्वल टू 1,700 रुपीज़। नाउ इतने अब टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया उसके लिए वो कितना हुआ, तो आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ ऐड कर लो 1,450 प्लस 1,700, ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा 3,150 रुपीज़। सो इतना टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, या फिर बात करें तो यानी कि मार्केट प्राइस भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस की बजाय। नेक्स्ट आपका है, अब इसके इसमें दिया क्या गया था हमें, डिस्काउंट दिया गया था, ये कॉस्ट प्राइस की बजाय यहाँ पर हम मार्केट प्राइस लिखेंगे भाई, मार्केट प्राइस, क्योंकि वहाँ पे जो, या फिर मार्क लिख सकते हो या मार्केट प्राइस लिख सकते हो, मार्क प्राइस लिख लीजिए कि मार्क जो मार्क किया गया है वहाँ पर वो इतने रुपीज़ था, ठीक है। सो मार्क प्राइस टोटल कितना हो गया ये, अब क्या है डिस्काउंट कितने का है 10%,
10% डिस्काउंट मीन्स क्या हुआ, हम लिखेंगे कि 10% डिस्काउंट मीन्स ₹100 चेंज्ड टू कितना ₹90। अब डिस्काउंट यानी कि छूट हो गई है भाई, ₹100 में से अगर ₹10 की छूट है तो ₹100 कितने में चेंज हो गए, 90 में। सो हमें क्या बताना है, द कस्टमर हैव टू पे, द कस्टमर हैव टू पे भाई उनको पे करना पड़ेगा कितना, 90 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी है, ₹3150। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल। सो अब सिंपल आपको क्या करनी है, 315 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, यानी कि उन्होंने अपनी दो बुफेलोज को बेचा है और हर ईच यानी कि प्रत्येक का मूल्य जो था वो कितना रहा है, ₹20,000 में प्रत्येक को बेच दिया। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक के ऊपर उनको फायदा हुआ 5% का, एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, और यानी कि 20,000 में बेचने के बाद उसको एक बुफेलो के ऊपर तो फायदा हो गया 5%, एंड ऑन द अदर हैंड सॉरी ऑन द अदर और दूसरी के ऊपर क्या हुआ, लॉस हो गया ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, तो आपको उसका ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है। दिस क्वेश्चन इज नॉट लाइक दैट, इसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिएगा कि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस जब दिया जाता है तो वहाँ से आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर दोनों का निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आप गेन या लॉस परसेंट जब निकालते हैं तो उसके लिए क्या निकालना होता है, जो फॉर्मूला होता है, अगर गेन हुआ है तो ऊपर हम गेन डिवाइड बाई CP यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, या फिर लॉस होगा तो भी लॉस डिवाइड बाई CP लिखेंगे, यानी कि CP आपको निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे कैसे, तो हम कॉस्ट प्राइस भी हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 जब पहली का सेलिंग प्राइस है तो वहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है 5% का, और यानी कि 20,000 में बेचने के बाद उसको 5% प्रॉफिट हो गया, तो उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। और दूसरी को भी कभी सेलिंग प्राइस तो 20,000 ही है, लेकिन वहाँ पर उनको जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो कितने का है, 10%, तो हम उस हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो। तो कैसे निकालेंगे ये लिखो, हमें पता क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, इज इक्वल टू कितना है, 20,000 रुपीज़, और इसके ऊपर हमको क्या है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 5%। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, तो यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस पहले मानना पड़ेगा। कि लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो वो हमने मान लिया ₹X। सो अब यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स के ऊपर प्रॉफिट हुआ है 5%, यानी कि 5% ऑफ एक्स, या फिर 5% प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 5% प्रॉफिट को लिखा जा सकता है ₹100 चेंज इनटू 105, यानी कि एक्स जो भी था उसका 105% कितना हो गया, 20,000,
प्रॉफिट को हम क्या लिखेंगे, 5% प्रॉफिट कैन बी रिटन एज रुपीज 100 चेंज इनटू 100 में प्रॉफिट हुआ है तो ऐड होगा कितना, जितना प्रॉफिट हुआ कितना हुआ है 5, यानी कि 105। तो 100 किस में चेंज हो गया, 105 में। सो 105% ऑफ एक्स कितना हो गया, 20,000 रुपीज। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 105/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देखिएगा एक्स इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 100, वहाँ पे जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 105। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा तो आपको मिलेगा एक्स जो मिलेगा आपको 19,047.62। ये आगे भी सोल्व होगा बट हम टू पॉइंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ही हम इसको सोल्व करेंगे। यानी कि एक्स जो कि क्या था, कॉस्ट प्राइस था फर्स्ट बुफेलो का, वो कितना आ गया ये, तो आप लिखोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो 19,047.62 रुपीज़। उसी तरीके से फिर आप क्या निकालोगे, सिमिलर इसी वे में पहले लिखोगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो, फिर लिखोगे प्रॉफिट यानी कि सॉरी वहाँ पर लॉस आपको कि एस पी लिख रहा हूँ मैं सेलिंग प्राइस को ऑफ सेकंड बुफेलो, विच इज इक्वल टू आपको इक्वल दे रखा है सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोनों का सेम था तो इसको हम कितना लिखेंगे 20,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्या दिया गया है, लॉस कितना है 10%। 10% लॉस मीन्स क्या हुआ, रुपीज 100 चेंज इनटू रुपीज 90, तो सो यहाँ पर हम क्या मानना पड़ेगा, पहले लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, सेकंड बुफेलो का कॉस्ट प्राइस आप मान लो जो कि कितना रहेगा, हमने मान लिया कि वाई रुपीज़ उनका कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 चेंज हो गया 90 में तो कितना हुआ 90% बचा, 90% ऑफ जितने में खरीदी थी उसका 90% कितना हुआ ऑफ, यानी कि कितने में खरीदी हमने, वाई इज इक्वल टू टोटल जो है इसका एस पी। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि फॉर्मूला आपका क्या होता है कि अगर सीपी आपको निकालना है तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर आप लिखोगे कि एसपी डिवाइड बाई एसपी की मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ और डिवाइड बाई, अगर देखिएगा लॉस है तो माइनस कर दो 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर परसेंटेज दे रखा है, और जैसे इस केस में था तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे बगैर इस चीज़ के भी। यहाँ पर आप प्रॉफिट वाले में क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो सीपी का, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो सीपी कितना आ जाएगा, एसपी जो कि कितना है 20,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 में से लॉस परसेंट जो कि कितना है 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 90। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 22,222.22 रुपीज़।
ये अमाउंट आपको सीपी मिल गया दोनों का। अब सीपी हो गया फर्स्ट बुफेलो का, सीपी हो गया सेकंड बुफेलो, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिल गया। आपको ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट सिंपल इतना बताना है, परसेंटेज में ही निकालना है। तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब हमें ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी पता होगा। तो आप लिखोगे फिर सो सीपी ऑफ बोथ, टोटल सीपी ऑफ बोथ बुफेलो, टोटल सीपी ऑफ बोथ बुफेलो कितना हो जाएगा। ऐड कर लीजिए दोनों को, पहला जो आपका है 19,047.62 प्लस 22,222.22 रुपीज़, विच इज़ इक्वल आ जाएगा आपका कितना, 41,000 एंड 41,269.84 रुपीज़। और साथ में क्या है, एसपी, टोटल एसपी ऑफ बोथ वो फेलोज वो कितना है, दोनों का 20,000 है, तो 20 प्लस 20,000 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40,000। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, सिंपल। अब देखो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 41,269.84 रुपीज़। और जो सेलिंग प्राइस आ गया दोनों का इकट्ठा कुल मिलाकर के टोटल जो हुआ वो कितना हुआ, 40,000। तो भाई सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, इट मीन्स व्हाट, उनको क्या हुआ है लॉस। सो ओवरऑल लॉस कितने का हो गया, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। और सीपी में से एसपी जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, फोर्टी वन पॉइंट थाउजेंड 269.84 रुपीज़ माइनस 40,000 रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू 1,269.84 रुपीज़। इतने रुपए का उनको क्या हो गया लॉस। तो सिंपल आपको क्या दे रखा था, देखिए दोबारा मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के बारे में, कि आपको गिवन था कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू बुफेलो बुफेलोज इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़ ईच। उसके बाद क्या बताया गया था कि ही हैज़ अ गेन ऑफ 5% ऑन द फर्स्ट बुफेलो एंड लॉस ऑफ 10% ऑन द सेकेंड बुफेलो। सो हमें निकालना था ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, या प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, सीपी भी चाहिए होगा और एसपी भी। एसपी तो वहाँ पर आपको गिवन है, तो यानी कि अब आपको टोटल सीपी चाहिए होगा। तो सीपी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग से सीपी निकालो। सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, या फिर ये तरीका इस्तेमाल करना है, ये वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ से आपने फर्स्ट बुफेलो का सीपी निकाला, सेकेंड का सीपी निकाला, अब दोनों का सॉरी यस सीपी, तो दोनों के सीपी को ऐड किया तो ओवरऑल क्या आ गया, वो सीपी आ गया। अब वहाँ पर ऐड करने के बाद आपको पता चला कि जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों बुफेलो का वो ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से दोनों बुफेलो के। तो इसलिए ज़्यादा में ख़रीदा था, कम में बेच दिया, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया, सीपी माइनस एसपी, तो माइनस करके आप ने पता लगा लिया कि कितना हुआ, 1,269.84 रुपीज़ का उनको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 3 क्वेश्चन आगे रहते हैं, उनको आप ट्राई करना, सॉल्व हो तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको उनको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।